Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So today in this video, I'll teach you English grammar tenses in both Hindi and English language. तो मैंने decide ये किया है कि अब से मैं grammar के videos भी बनाऊंगा जिसमें मैं grammar के concepts को Hindi और English language में आप लोगों को समझाऊं. ये थोड़ा important भी है क्योंकि बहुत सारे beginners हैं जो शायद ये मेरे वीडियो को देखते होंगे, जिन्हें ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते होंगे. तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. तो आइए चलिए समझते हैं इंग्लिश ग्रामर टेंसेस को. इसमें क्या है, इसमें हम लोग डेफिनेशन, टाइप्स, स्ट्रक्चर और एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि आप इस वीडियो के थ्रू कितना समझे हो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Definition. Tenses in English grammar are verb forms that indicate the time of an action, whether it is in the past, present or future. There are four aspects for each tense: simple, continuous, perfect, perfect continuous. Each aspect provides additional information about the nature or duration of the action. तो देखिए, English grammar में tenses सबसे ज़्यादा important topic है. इसके मदद से आप अच्छी तरह से English में लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं. तो ये पूरे ग्रामर का सबसे क्रूशियल टॉपिक है. तो इसमें हम लोग बेसिकली, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. मैं आने वाले फ्यूचर में और भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए. तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें मैं टेंसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझाऊंगा और एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए. तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन है, टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर आर वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, वेदर इट इज इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. तो बेसिकली जो टेंस जो होता है वो किसी एक्शन का टाइम को इंडिकेट करता है कि वो एक्शन कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में. और यहाँ पर चार एस्पेक्ट्स हैं. एस्पेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है. एस्पेक्ट सिचुएशन होता है कि वो एक्शन अगर पास्ट में हुआ तो किस सिचुएशन में हुआ है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर कोई एक्शन फ्यूचर में हुआ है तो वो किस एस्पेक्ट में हुआ है, सिंपल में, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में. इसी तरह टोटल 12 प्रकार के टेंसेस हैं. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आइए चलिए समझते हैं टेंस बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को. तो सबसे पहले जो है वो है पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर जो पास्ट सिंपल वर्ब है वो कुछ नहीं है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब है. एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है. ठीक है, पास्ट सिंपल में हम लोग सेकेंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. यहां पर देखिए, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे. तो शी जो है वो एक सब्जेक्ट है. कंप्लीटेड जो है वो कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म है. प्रोजेक्ट जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है. और यस्टरडे जो है ये एक टाइम एक्सप्रेशन है जो मैं आने वाले वीडियो में और अच्छी तरह से समझाऊंगा. फिलहाल हम लोग इस वीडियो में स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. अब चलिए, अगला स्ट्रक्चर जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का. पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल ऑफ टू बी यानी वाज, वर, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये है स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का. और इसमें आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी को जोड़ेंगे. यहां पर एक एग्जाम्पल है, दे वर स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग. तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर दो क्लॉजेस हैं. दे वर स्टडिंग ये पहला क्लॉज हुआ. दूसरा क्लॉज है व्हेन द फोन रैंग. तो व्हेन द फोन रैंग जो है ये पास्ट सिंपल में है और दे वर स्टडिंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है. ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर कुछ कुछ लर्नर्स हैं जो डब्ल्यू ई आर ई को वेयर पढ़ते हैं जो कि गलत है. इसका प्रोनंसिएशन होता है वर, वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर. डब्ल्यू एच ई आर ई को
को हम लोग वेयर पढ़ेंगे। इसका प्रोनंसिएशन होता है वेयर, WHERE। अब अगला स्ट्रक्चर जो है वो है पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल में हम लोग सेकेंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, By the time we arrived, they had already left. By the time we arrived, they had already left. तो पहला क्लॉज जो है by the time we arrived, ये past simple में है। दूसरा क्लॉज जो है they had already left, ये past perfect में है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो verb है leave का second और third form दोनों same ही होता है, left, है ना। तो ये है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, जैसे राइट, रोट, रिटन। राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और रिटन जो है वो है थर्ड फॉर्म वर्ब का। ओके, अब चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट ऑफ टू बी हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है, बेसिकली यहां पर हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे। ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल है, ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर टू आवर्स बिफोर टेकिंग अ ब्रेक। He had been working on the project for 2 hours before taking a break. तो he had been का इस्तेमाल किया गया और working यानी work जो एक verb है उसके साथ ing को जोड़ दिए और on the project for 2 hours before taking a break। तो ये पूरा basically sentence जो है वो past perfect continuous में है और ये है structures। अब चलिए आगे समझते हैं present simple का structure को। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब यानी वर्ब का पहला फॉर्म वर्ब वन। ठीक है, इसमें हम एस या ई एस को जोड़ेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या किसी नेम के साथ। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल है, शी रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग। ये है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू बी यानी इज, एम आर इज, है ना। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, वर्ब में हम लोग आईएनजी को जोड़ देंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी। अब चलिए समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस टू बी यानी एम आर इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेसिकली क्या है, यहां पर सब्जेक्ट प्लस एम आर इज को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल है, दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। दे जो यहां पर हुआ वो एक सब्जेक्ट है, आर जो हुआ वो टू बी का एक फॉर्म है, और वॉचिंग जो है ये एक वर्ब है जो आईएनजी के फॉर्म में है। अ मूवी, मूवी जो हुआ यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है। अब चलिए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर को। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो हैव हम किसके साथ लगाएंगे, आई, यू, वी, दे, और हैज किसके साथ लगाएंगे, शी, ही, इट या किसी नेम के साथ। और पास्ट पार्टिसिपल यहां पर जो है वो थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब का, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रिटन, राइट, रोट, रिटन, यानी थर्ड फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में भी बिल्कुल उसी तरह। तो यहां पर एक एग्जांपल है, आई हैव विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर। तो आई जो है यहां पर सब्जेक्ट हुआ, हैव लगाया मैंने, उसके बाद विजिटेड ये थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब का, और म्यूजियम जो हुआ ये एक ऑब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी, है ना, वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देंगे। तो एक एग्जांपल है यहां पर,
He has been working on the project for 3 hours. He has been working on the project for 3 hours. Present perfect continuous में क्या है कि हम लोग has been का इस्तेमाल करेंगे और verb में ing को जोड़ देंगे. अब चलिए अगला structures को समझते हैं. Future simple. Future simple का जो structure है वो है subject plus will plus base form of the verb, यानी first form of a verb. ठीक है, तो यहाँ पर एक example है. She will visit her grandparents next weekend. अब क्या होता है कि पहले shall का भी इस्तेमाल किया जाता था. Shall भी एक modal verb हुआ. Will या फिर shall का हम लोग इस्तेमाल करते थे. वो पुराना English था, अब नया English यानी modern English में ऐसा नहीं है. आप will को ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है. Meaning बिल्कुल same है, कोई दिक्कत नहीं है. Shall का इस्तेमाल शायद ही कहीं पर होता होगा या ना के बराबर होता है आज के टाइम में, बट आप विल लगा करके भी वही मीनिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहां पर एग्जांपल है, शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी के साथ जोड़ देंगे. वर्ब को आईएनजी के साथ जोड़ देंगे. यहां पर एक एग्जांपल है, एट दिस टाइम टुमारो दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी. दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी, है ना. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ देंगे. विल बी प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी. तो यहां पर एक एग्जांपल है, एट दिस टाइम टुमारो दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी. तो फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल है, बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज नोवेल. बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है वो एक फ्रेज है. ही विल हैव कंप्लीटेड हिज नोवेल, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है. ही जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, will have का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, और थर्ड फॉर्म किसी भी वर्ब का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया. हालांकि कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही होता है. तो अगर यहां पर लिखना होता ही विल हैव रिटन हिज नोवल, ऐसा भी बोल सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव रिटन हिज नोवल, थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब. अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट स्ट्रक्चर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे. कंटिन्यूअस है यहां पर, है ना, और परफेक्ट है. विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे. तो यहां पर एक एग्जांपल है, बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर. तो यहां तक ये खत्म हुआ. अब चलिए एक छोटा सा क्विज है जिससे मैं आपको चेक करूंगा कि आप इस वीडियो के थ्रू कितना समझे. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टेंसेस. तो जो पहला सेंटेंस है वो है दे विल कम टू द पार्टी. दे विल कम टू द पार्टी, तो आप बताइए ये किस टेंस में है. फ्यूचर सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर प्लेइंग टेनिस एट 5 PM. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको वर पढ़ेंगे, W E R E को वर पढ़ेंगे. ठीक है, इसका प्रोनंसिएशन होता है वर, वेयर नहीं प्रोनंसिएशन है. तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है. वी वर प्लेइंग टेनिस एट 5 PM. अगला सेंटेंस, द बॉय इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट. द बॉय इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, She had already left when I arrived. Second clause पे ध्यान नहीं देना है. When I arrived जो है वो second clause है. First clause पे ध्यान देना है. ये past perfect में है. ये past perfect में है. She had already left when I arrived. Past perfect में है. At 6 PM they will be having dinner. They will be having dinner. ये कौन से tense में है? Future continuous. Future continuous. Next, she finished her work yesterday. She finished her work yesterday. ये past simple में है. Next,
They have been studying for hours. They have been studying for hours. ये present perfect continuous है. I will have finished the book by the end of the week. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि I will have finished the book by the end of the week. तो ये future हुआ sentence, future perfect हुआ, है ना? तो ये sentence जो है future perfect है. Next, I have finished my homework. I have finished my homework. Present perfect. Next, by the time you arrive, I will have been waiting for 2 hours. Will have been waiting for 2 hours. Yani ki ye future perfect continuous. Very good. Next, had been waiting for an hour. Had been waiting for an hour यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मतलब ये past perfect continuous form में है. Thank you for watching this video till the end. I hope you liked it. And in my upcoming videos, I'll explain some other concepts and rules of English grammar. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. आने वाले समय में मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं. थैंक यू.